अब ये बताएं क्या खोया क्या पाया, ये सवाल है। आज मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। ये आर्मी ऑफिसर उमर फयाज मारा गया, अपने भाई की शादी में गया था, प्राउड लेफ्टिनेंट, 5 महीना में उसने अपना खड़गवासलम नाम कमाया था। 370 की वकालत करने वाले कोई भी नेता ने उमर के साथ खड़े होने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं की। ये मैं औरंगजेब मारा गया था आतंकवादियों के द्वारा, जो राइफल में, कश्मीर राइफल में जवान था, उसको हमारी सरकार ने शौर्य चक्र दिया, क्या उसके साथ 370 की बात करने वाले खड़े हुए? मैं आज उसके फादर का अभिनंदन करूंगा, उसने कहा मेरा एक बेटा गया है, मेरे बाकी 2 बेटे भी सेना में जाएंगे, और आज दोनों बेटे ने सेना में जा गए। आज जब 370 खत्म हो रहा है तो इन सबों के चेहरे पर चमक है। हां, जो आतंकवाद की पैरवी करते हैं उनको परेशानी है। अब परिवारों की बात की गई, मिस्टर शशि थरूर, यू टॉक टू लोक्वेंटली ऑन लेजिस्लेटिव डेस्पॉटिज्म और समथिंग लाइक दैट, ऑल राइट, आई कांट स्पीक दैट इंग्लिश ऑफ दैट कैलिबर, आई नो माई लिमिटेशंस, बट आई रिमेंबर ए वेरी फेमस कार्टून। व्हेन इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट वॉज हैविंग ए बाथ इन द बाथ टब एंड ही सेड एट लीस्ट स्पेयर मी टू टेक माई बाथ, अभी ऑर्डिनेंस मत लाओ। हमने वैसा काम नहीं किया। आपने अपने इमरजेंसी पहले कर दी, कैबिनेट को बाद में बताया। यह आप भी जानते हैं, आपके नेताओं ने अपनी कात कथा लिखी है, हमसे जुबान न खुलवाइए, हम इमरजेंसी के लड़ने वाले लोग।